गुरु नानक देव जी की 552वां प्रकाश पर्व 19 नवंबर को 11 दिन से निकल रही है प्रभात फेरी, 17 तारीख को हुआ समापन। गुरुद्वारा सचखंड दरबार के प्रवक्ता रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी की प्रकाश पूर्व की खुशी में 11 दिन की प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। 7 तारीख को प्रारंभ हुई इस फेरी का समापन 17 तारीख को हुआ। इसके दौरान घरों से शब्द कीर्तन करने वाली संगत पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। प्रभात फेरी सिख कॉलोनी, रामदेव कॉलोनी, दर्शनपुरा, चंपा बाग, सुभाष नगर होते हुए सिख कॉलोनी में संपन्न हुई। कपूर ने बताया कि 19 नवंबर शुक्रवार को गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश गुरु पूरब पूरी श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सचिव दर्शनीत सिंह ने बताया कि सुबह 5:15 से लंगर शुरू किया जाएगा। सुबह 7 श्री सहज पाठ की समाप्ति होगी। पहला दीवान की समाप्ति सुबह 9:30 पर होगी। इसके बाद 10:15 से 10:30 तक ज्ञानी अजीत सिंह जी कथा करेंगे। 10:30 से 12 तक उदयपुर का रागी जत्था भाई महेंद्र सिंह जी का रागी जत्था शब्द कीर्तन करेगा। करमवीर सिंह सलूजा, अध्यक्ष गुरुद्वारा सचखंड दरबार। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में उपलक्ष्य में जो प्रभात फेरियाँ निकल रही थी 7 तारीख से, आज उसका समापन यहाँ गुरुद्वारा सचखंड दरबार में किया गया। ये प्रभात फेरियाँ गुरु नानक देव जी के जश के लिए की गई, उनका जश गाया गया। जो प्रकाश पर्व 19 तारीख को है, उस उपलक्ष्य में ये प्रभात फेरियाँ निकली है। मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा कि 19 तारीख को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहब में दरबार सजेगा। 2 बाद उपरंत गुरु का लंगर अटूट बरतेगा। आप सबसे बेनती है, हाथ जोड़कर आप सब पधारें, गुरु का लंगर छकें और गुरु जी का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।